वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से कतर का दो रोजा सरकारी दौरा करेंगे। काबीना के अहम अराकीन समेत आला सतह का वक्त उनके हमरा होगा। वजीर आजम कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से मुलाकात करेंगे। बामी तालुकात तवानाई तिजारत सरमायाकारी में तावन बढ़ाने पर बात होगी। शहबाज शरीफ कतरी और पाकिस्तानी ताजिरों सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुतनाज़े बयान देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत आलिया ने गुज़िश्ता रोज तमाम जजेस की मशावरत से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया था। तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां आज जारी। बलूचिस्तान में हलाकतों की तादाद 225 तक पहुंच गई। बारिशों के बायस बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद। जनूबी पंजाब भी शदीद मुतासर। तौंसर शरीफ डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैकड़ों देहात डूब गए। सिंध में भी सूरत हाल बदस्तूर खराब। मुख्तलिफ इलाकों में 21 अफराद जान से गए। शदीद बारिशों और सैलाब से रेलवे ट्रैक भी मुतासर। कई ट्रेनें मौत। कराची में आज से 25 अगस्त तक तेज बारिश मुतवक्के। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वसी भारत पर मौजूद हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में आज सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। मुल्तान में वाटर काम की गफलत से कई इलाकों में गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। स्कूल जाने वाले बच्चों और खवातीन को भी दुश्वारियों का सामना। और एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एमस्टरडम से दुबई पहुंच गया। इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली और आसिफ अली दोपहर में लाहौर से दुबई पहुंचेंगे। ट्रेनिंग सेशन कल से शुरू होगा।